अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज मैं जो रेसिपी आपके लिए लेके आई हूँ वो है रस मलाई, जो कि बड़े शौक से खाई जाती है। तो इसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स है वो आप नोट कर लीजिए। एक कप मुझे चाहिए सूखा दूध पाउडर, चीनी एक कप, दूध तकरीबन 1.5 से 2 लीटर, एक कप मलाई, कोई भी आप ले लें घर से, जो भी जहाँ शॉप से मिलती है पैकेट वाली ले सकते हैं। इसके अलावा हमें चाहिए अंडे 1 से 2 अदद, तेल हमें चाहिए होगा 1 टेबलस्पून, 1 चम्मच हमें चाहिए होगी मैदा, 1/2 टीस्पून हमें चाहिए बेकिंग पाउडर, और पिस्ता हमें हसबे ज़रूर चाहिए जो कि गार्निश के लिए हम इस्तेमाल करेंगे। तो चलते हैं इसकी तैयारी की तरफ। चूल्हे को हम मीडियम आंच पे ऑन कर लेंगे। पैन के अंदर हम दूध डालेंगे, हम 1 कप चीनी डाल देंगे, अगर आप चाहें तो इस स्टेज पे आप 2-3 सब्जी इलायची भी डाल लें। अब इसको पकने के लिए रख देंगे। इस दरमियान हम जो है रस मलाई उसकी जो चीजें हैं वो रेडी करेंगे। अब एक बाउल में सूखा दूध डालेंगे, मैदा, बेकिंग पाउडर, इनको मिक्स करके साथ ही हम 1 टेबलस्पून तेल डालेंगे, अंडा डालेंगे, अंडा साफ है बिल्कुल, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। आप देख सकते हैं ये एक तरह का आटे की शेप में आ गया है। इसको अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे। अब एक बाउल में मैंने एक्स्ट्रा ऑयल लिया है, तेल, उसको मैं हाथों पे लगाऊंगी। अब हम छोटे छोटे बॉल बनाएंगे। ऊपर से थोड़ा सा दबाएंगे, ऐसे ऐसे रखते जाएंगे। अगर आप ज़्यादा बनाना चाहें तो आप ज़्यादा भी बना सकते हैं, चीज़ों की तादाद को आप ज़्यादा कर लें, ज़्यादा लोगों के लिए अगर आपको चाहिए। आप देख सकते हैं बॉयल आ गया दूध को। मैंने इसके अंदर 3 सब्ज़ी इलायची डाल दी थी। अब मैं इसके अंदर 1 कप क्रीम डालूंगी। उसको मिक्स करेंगे, अच्छी तरह से मिक्स करें। अब इसे फिर से बॉयल आने देंगे। बॉयल आ गया है दूध को। अब मैं इसमें ये बॉल जो मैंने आपके सामने बनाए थे वो 1-1 करके डालूंगी। आप देख सकते हैं बॉल ऊपर आ रहे हैं। हम साथ साथ इसको आपने ऐसे दबाना है, थोड़ा थोड़ा दूध डाल के। अब इसको तकरीबन हम दूध के अंदर इसी आंच पे 1/2 आवर यानी आधा घंटे के लिए पकने देंगे, और साथ साथ हम इसको चेक करते रहेंगे। ज़्यादा चमचा नहीं हिलाना क्योंकि बॉल टूट जाएंगे।
तो इसलिए आपने बहुत सॉफ्ट से करना है ऐसे। इसको मैं ऐसे करती रहूँगी आधा घंटा के लिए, साथ साथ चेक करूँगी, थोड़ी देर इसको पकने दूँगी, फिर मैं इसको चेक करूँगी जी। अब काफ़ी बॉयल आ रहे हैं, अब चूल्हा बिल्कुल आहिस्ता पे रख देंगे, लो स्पीड पे। अब इसको तकरीबन आधा घंटा के लिए पकने देंगे। आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि दूध बाहर ना गिरे, उसके अलावा इसको पकने दें। अभी 15 मिनट गुजरे हैं, इसको मैं बस चेक करने के लिए आपको दिखाना था। ये इतनी पक गई है, तो इसको मैंने क्या किया, अभी मैंने चम्मच नहीं इसके अंदर मारा, इसको मैं ऐसे ऐसे हिला रही हूँ ताकि ये टूटे नहीं। तो आपने भी ऐसे ही करना है, रस्ते में अगर आप देखें दूध ऊपर आ रहा है या मिक्स करना चाह रहे हैं तो आप इसको हिलाएंगे आराम से। अब इसको 15 मिनट और पकने देंगे, फिर मैं आपको इसकी शक्ल दिखाऊंगी। तो नाज़रीन अब 20 मिनट गुजर चुके हैं, आप देख सकते हैं रसमलाई तकरीबन तैयार है। अब हम चूल्हा बंद कर देंगे और इसको डिश आउट करेंगे। देख सकते हैं बहुत खूबसूरत आए हैं बॉल्स। अब इसको हम तकरीबन 15-20 मिनट के लिए रख देंगे ताकि ये अच्छी तरह से ठंडा हो जाए, फिर इसको हम डेकोरेट करेंगे। जी नाज़रीन रस मलाई तैयार है, आप देख सकते हैं अभी ये गर्म है, लेकिन आप इसको फ्रिज में रखेंगे तो ठंडी होगी तो बहुत मज़ा देगी। आप चाहें तो इसे रमज़ान के महीने में बना सकते हैं, और चाहें तो ईद आ रही है, ईद पर भी आप इसको बना के इंजॉय कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।